बच्चों पिछले अध्याय में हमने देखा कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाता है क्यों किया जाता है और जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो किन किन समायोजनों की आवश्यकता हमको होती है इनमें से एक कारण हमने पढ़ा था जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है वो था नए साझेदार का प्रवेश फॉर्म में पहले से जितने भी साझेदार हैं अगर उसमें एक भी नया साझेदार जुड़ जाता है तो फॉर्म को फिर से पुनर्गठित करने की जरूरत पड़ जाती है क्यों क्योंकि नया साझेदार जो फॉर्म में आया है वो अपने हिस्से की पूंजी के लिए कुछ पैसे लाएगा या संपत्ति लाएगा फॉर्म की ख्याति के लिए कुछ वो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा और ऐसे बहुत से समायोजन होते हैं जिनके कारण हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने की जरूरत पड़ती है तो आइए अब देखते हैं कि पुनर्गठन नए साझेदार के प्रवेश के समय किस प्रकार किया जाता है तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी फॉर्म में नए साझेदार की प्रवेश की जरूरत ही क्यों पड़ती है पुराने साझेदार अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो नया साझेदार क्यों आता है क्यों उसको एंट्री दी जाती है तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि फॉर्म को पूंजी की आवश्यकता होती है पहले से फॉर्म में जितने साझेदार हैं वो फॉर्म को पूंजी दिए रहते हैं लेकिन हो सकता है कि फॉर्म का विस्तार किया जा रहा हो बढ़ाया जा रहा हो और ऐसी कंडीशन में फॉर्म को एक्स्ट्रा कैपिटल अतिरिक्त पूंजी की जरूरत हो तो ऐसी कंडीशन में किसी नए साझेदार को फॉर्म में हिस्सा दिया जा सकता है दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है विशिष्ट योग्यता के कारण हो सकता है फॉर्म में जो साझेदार हैं वो सामान्य योग्यता वाले हों मान लीजिए फॉर्म को एक प्रबंधकीय योग्यता वाले मैनेजरियल एक कैपेसिटी अच्छी हो उसकी अगर ऐसे किसी साझेदार की जरूरत पड़ती है तो एक विशिष्ट योग्यता के लिए वो किसी नए व्यक्ति को जिसके अंदर वो विशिष्ट योग्यता होती है उसको फॉर्म में प्रवेश दे सकते हैं नए साझेदार के रूप में एक कारण यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कई बार फॉर्म दूसरे फॉर्म से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है और इस कंपटीशन में आगे निकलने के लिए उसको कुछ नए लोगों को अपने साथ जोड़ लेने की ज़रूरत होती है तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए भी कई बार नए पार्टनर्स को जोड़ना पड़ता है नए साझेदारों का प्रवेश देना पड़ता है या फिर हम देखते हैं कि व्यापार को हमेशा एक उचित देखभाल की ज़रूरत पड़ती है बहुत सी संपत्तियां हैं व्यापार में उनके उचित देखभाल की ज़रूरत है दायित्वों के निर्वाहन की ज़रूरत है अब ऐसी कंडीशन में कई बार हो सकता है कि फॉर्म में साझेदारों की जो संख्या हो वो पर्याप्त ना हो ऐसी कंडीशन में एक पार्टनरशिप फॉर्म को और कुछ नए साझेदारों को जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है और वो किसी नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश दे सकते हैं एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फॉर्म को आगे ले जाना है ये भी हो सकता है कि फॉर्म में जो पार्टनर है जो उनकी जो कैपिटल है उनकी जो कैपेसिटी है वो फॉर्म के लिए पर्याप्त नहीं है फॉर्म कोई प्रगति नहीं कर पा रही है तो थोड़ा सा आगे निकलने के लिए उन्नति के लिए कई बार नए साझेदारों को भी प्रवेश दे दिया जाता है कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि किसी फॉर्म का कारोबार इतना ज़्यादा फैल जाता है विदेशों तक वो चला जाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप ले लेता है ऐसे कंडीशन में अगर कोई दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति जहाँ से उस फॉर्म का कारोबार चल रहा हो अगर वहाँ पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति फॉर्म का साझेदार बनना चाहता है तो ये फॉर्म के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है तो विदेशी कारोबार के कारण भी कई बार नए साझेदारों को फॉर्म में प्रवेश देना पड़ता है एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है कि अगर फॉर्म के किसी साझेदार की निवृत्ति हो जाए यानी कि वो रिटायर हो जाए या आकस्मिक रूप से कोई साझेदार किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फॉर्म में साझेदारों की संख्या अगर कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो नए साझेदारों को फॉर्म में प्रवेश दे सकते हैं तो ये तो वो कंडीशन थी जबकि फॉर्म में नए साझेदारों को प्रवेश दिया जाता है अब आए हम जाने कि ये जो नए साझेदार फॉर्म में प्रवेश लेते हैं फॉर्म में आते हैं उनको अधिकार कौन कौन से होते हैं तो इनको दो तरह के अधिकार दिए जाते हैं एक फॉर्म की जो परिसंपत्तियां हैं उनमें भाग लेने का अधिकार संपत्तियों को रिवेलुएट हम करते हैं संपत्तियों का मूल्यांकन हम करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में नए साझेदार भाग ले सकते हैं दूसरा हम देखते हैं कि भावी लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार अब क्योंकि नए जो पुराने जो साझेदार थे वो किसी निश्चित अनुपात में लाभ लेने के लिए साझेदार थे नया साझेदार जो आया वो अपने हिस्से के कुछ पूंजी ख्याति के लिए कुछ हिस्सा लेकर आया तो जाहिर सी बात है क्योंकि उसने फॉर्म को पूंजी दी है फॉर्म के लिए उसने कुछ काम किया है तो फॉर्म के लाभ में फिर भाग लेने का अधिकार उसका होगा तो ये दो तरह के अधिकार नए पार्टनर को प्राप्त होते हैं एक चीज हम देखते हैं कि जब नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश दिया जाता है तो इतना आसान नहीं होता है कि हम किसी नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश दे दें दे और वो अपने हिस्से कुछ की कुछ पूंजी की राशि कुछ ख्याति की राशि लेकर आ जाए एक नए साझेदार के आने से फॉर्म का पूरा का पूरा लाभ हानि विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है सारी की सारी संपत्तियां और दायित्व को रिवेलुएट करना पड़ता है कई बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि फॉर्म की ख्याति कितनी है जिसके लिए एक नए साझेदार को एक निश्चित राशि लाने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे समायोजन यहाँ पर हमको करने पड़ते हैं आ, क्रियात्मक प्रश्नों को जब हल करेंगे तो ये सारे समायोजन हमको वहां पर करने पड़ेंगे तो आइए इन समायोजनों पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम किसी नए साझेदार को फॉर्म में प्रवेश देते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नया साझेदार फॉर्म में आ रहा है वो फॉर्म के लिए कितनी पूंजी लेकर आ रहा है यानी हम देखते हैं कि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी क्या है कई बार प्रश्न में स्पष्ट रूप से दे दिया जाता है कि नया नया जो साझेदार है वो कितनी पूंजी लाया है लेकिन कई बार प्रश्न में ये नहीं दिया गया होता है कि नया साझेदार कितनी पूंजी लाया है लेकिन उससे रिलेटेड कुछ समायोजन दे दिए रहते हैं जिनके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी क्या है लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि नए साझेदार द्वारा फॉर्म को कितनी पूंजी मिली है दूसरा दूसरा महत्वपूर्ण समायोजन होता है लाभ हानि अनुपात की गणना करना यानी कि नए लाभ हानि अनुपात की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं पहले से फॉर्म का फॉर्म क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी थी कुछ पार्टनर से पहले से थे तो पहले से ही वो किसी न किसी अनुपात में लाभ हानि का वितरण तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि अब एक नया साझेदार उनके पास उनके साथ जुड़ गया वो फर्म के लिए कुछ पूंजी लाया है कुछ ख्याति लाया है तो अब उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था वो बढ़ गया यानी चेंज हो गया वो उसमें एक नए पार्टनर का हिस्सा भी जुड़ गया तो यहाँ हमको जरूरत पड़ती है नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करने की फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ख्याति की राशि की गणना करना क्योंकि भाई जो नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है वो पूंजी किसी न किसी रूप में लाएगा या तो कैश लाएगा संपत्तियों के रूप में या दोनों रूप में ला सकता है ख्याति की राशि को का भी वो कुछ हिस्सा देगा कि भाई फर्म की गुडविल अच्छी है अगर मुझे इस फर्म को ज्वाइन करना है तो उस पहले से जो बनी बनाई गुडविल है उसके लिए मुझे कुछ आ, हिस्सा देना चाहिए तो ख्याति के व्यवहार की कैलकुलेशन भी हमको यहाँ पर करनी होती है एक महत्वपूर्ण समायोजन होता है जब नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश लेता है तो फॉर्म की उस समय की वास्तविक स्थिति की हमको गणना करनी पड़ती है जिसके अकॉर्डिंग हम ये निर्णय ले सके कि नए साझेदार को कितनी पूंजी फॉर्म में लानी चाहिए और इसके लिए हमको हमारे फॉर्म में जितनी भी संपत्तियां, जितने भी दायित्व तो होते हैं उनको रिवेल्युएट करना पड़ता है उनका पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है कि जब वो साझेदार फर्म में प्रवेश ले रहा है तो उस दिन फर्म की संपत्तियां जो है उनका वास्तविक मूल्य क्या है फर्म के दायित्व जो है उनका वास्तविक मूल्य क्या है उसके बाद हम देखते हैं कि साझेदार के पूंजी खातों का हमको समायोजन करना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल जो पूंजी लानी चाहिए थी उस नए साझेदार को वो उससे ज्यादा पूंजी ला रहा है या कम पूंजी ला रहा है इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कई बार ऐसी स्थिति आती है जब साझेदारों के पूंजी खाते का जो बैलेंस होता है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम अतिरिक्त पूंजी को उन साझेदारों को लौटा देते हैं लेकिन इसके विपरीत भी एक स्थिति बनती है जब साझेदार जितनी पूंजी उनको लानी चाहिए जितनी पूंजी उनकी होनी चाहिए उससे कम पूंजी होती है तो ऐसे कंडीशन में उनको अतिरिक्त पूंजी उनसे मांगी भी जाती है तो ये सारे जो काम हम करते हैं वो पूंजी खाते के समायोजन के अंतर्गत करते हैं इन सभी खातों को हम अपने क्रियात्मक प्रश्नों में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो एक तो ये महत्वपूर्ण समायोजन हो गया उसके बाद जिस तिथि में नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश ले रहा है उस तिथि में फॉर्म के पास बहुत सारे संचय होते हैं बहुत सारे अवितरित लाभ होते हैं लाभ हानि के कुछ शेष होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए तो ये भी एक समायोजन हमको तब करना पड़ता है जब कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो यहां हमने उन समायोजनों के बारे में जाना जो नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाते हैं कुल मिलाकर अगर हम इसको सिक्वेंस से देखें तो हमको पता चलेगा कि जब हम नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा क्रम क्या होगा स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लाभ हानि विभाजन अनुपात देखेंगे नए हानि विभाजन अनुपात की हम गणना करेंगे संपत्ति और दायित्वों का हम पुनर्मूल्यांकन करेंगे उसके बाद हम उन पुनर्मूल्यांकन खातों के शेष के आधार पर पूंजी खाते का निर्माण करेंगे यानी पूंजी खाते में हम समायोजन करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम कंपनी की एक फाइनल बैलेंस शीट तैयार करेंगे हाँ, अब हम देखें कि ये जो नया साझेदार फॉर्म में पूंजी लेकर आ रहा है वो किस रूप में होगी यानी कि हो सकता है कि वो नया साझेदार फॉर्म में पूंजी की राशि को नगद लाए कैश के रूप में लाए लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कैश के रूप में पूंजी की राशि को ना लाकर किसी संपत्ति के रूप में दे दे यानी कोई फर्नीचर दे दे कुछ भवन दे दे बिल्डिंग दे दे मशीनरी दे दे इस रूप में भी वो फॉर्म में प्रवेश ले सकता है ये माना जाएगा कि पूंजी की राशि के रूप में उसने संपत्ति दी कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो अपनी पूंजी की जो उसके अमाउंट होती है उसका कुछ हिस्सा नगद देता है और कुछ हिस्से के लिए वो संपत्ति लेकर आता है तीनों ही कंडीशन में जनरल एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है जिसे पहली जनरल एंट्री हम क्या करेंगे जब नया साझेदार पूंजी की राशि नगद दे ऐसे कंडीशन में हम यहां पर जनरल एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट या फिर हम बैंक भी लिख सकते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रोकड़ या बैंक खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से यह तो हुई जनरल एंट्री की बात लेकिन इसको हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमको इस राशि को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कैश करके लिखना है सेकंड कंडीशन जब नया साझेदार पूंजी की राशि को संपत्ति के रूप में ले आए थोड़ी सी जनरल एंट्री यहाँ पर हमारी चेंज हो जाती है यहां हम जनरल एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट संपत्ति खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से तो जितने रुपए की वो संपत्ति लाता है उतने रुपए से यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस अमाउंट को हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स करके जो भी एसेट्स के अमाउंट है वो हम नए साझेदार के कैपिटल वाले कॉलम में लिखेंगे उसके बाद तीसरी एक कंडीशन बनती है जब नया साझेदार कुछ हिस्सा जो पूंजी का होता है वो कैश के रूप में लाता है और कुछ हिस्सा वो एसेट्स के रूप में यानी दोनों तरीके से वो योगदान करता है तो इस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रोकड़ खाता या बैंक खाता डेबिट संपत्ति खाता डेबिट नए साझेदार के पूंजी खाता से और अगर हमको इसको कैपिटल uh, अकाउंट हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हमको करनी है तो जैसे कि यहाँ पे हम जनरल एंट्री में देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाई कैश अकाउंट बाई अकाउंट और जो भी कैश और एसेट्स अमाउंट होगी वो हम नए साझेदार के हिस्से में लिख देंगे तो आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करें जिससे हम इन दोनों विधियों को भली भांति समझ सकें पहली विधि जब हमने देखा कि एक ऐसी कंडीशन है जबकि पुराने साझेदार अपना अनुपात जो पुराना अनुपात है वो यथावत रखें। ऐसे कंडीशन में जैसे कि हमने देखा कि संपूर्ण भाग को हम एक मान लेते हैं और एक में से हम नए साझेदार का हिस्सा घटा देते हैं और उसके बाद हमको जो शेष प्राप्त होता है उसको हम पुराने साझेदारों के को का जो पुराना अनुपात है उससे हम गुणा कर लेते हैं और इस प्रकार फिर हम नया अनुपात ज्ञात कर लेते हैं तो आइए इस संबंधित एक प्रश्न देखें अ तथा बा तीन अनुपात दो के अनुपात में साझेदार है उन्होंने स को एक बटे छह भाग के लिए साझेदार बनाया यदि पुराने साझेदार अपना अनुपात पुराना ही रखें तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए पे हम देख रहे हैं कि क्योंकि कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पे कि पुराने साझेदार जो है वो नए साझेदार को किस अनुपात में देंगे लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि यदि पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात ही रखें यानी पुराना अनुपात यथावत रखें। तो जैसे कि हमने देखा कि कुल भाग को हम एक मान लेंगे और एक में से नए साझेदार के भाग को घटा देंगे यानी कि एक में से हम एक बटे घटा देंगे तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन सिक्स इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स अब क्योंकि ये जो हमको भाग प्राप्त हुआ इसको हम पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात से गुणा करेंगे तो आ जो है वो पुराना साझेदार है और इसका पुराना अनुपात कितना है जैसे कि क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तीन अनुपात दो यानी तीन बटे पांच तो तीन बटे पांच को हम मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन सिक्स इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन थर्टी और वैसे ही हम b के लिए यानी कि ब के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे पुराने अनुपात को जो यहाँ पर हमने शेष प्राप्ति किया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन सिक्स इक्वल टू टेन अपॉन थर्ट और पुराने साझेदार का भाग जैसे कि हमने देखा एक बटे छह भाग के लिए वो आया है तो आ और बीन दोनों के जो हर है वो तीस है थर्टी है तो इसके हर को भी हमको आ और ब के हर के बराबर करना होगा तो क्योंकि नीचे है सिक्स और इसको लाना है हमको थर्टी तो इसको हमको फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो हर को अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन थर्टी तो इनका नया अनुपात हो जाएगा फिफ्टीन इज टू टेन इज टू फाइव या फिर हम इसको और छोटा कर ले 5 से डिवाइड करके तो ये हो जाएगा थ्री इज टू टू इज टू वन दूसरी कंडीशन जबकि पुराने साझेदार अपने भाग में से समान अंश नए साझेदार को दे हमने देखा था कि अगर ऐसा कुछ प्रश्न में दिया गया है कि जो नया आने वाला साझेदार है उसको फॉर्म के जो पुराने साझेदार हैं वो अपने हिस्से का बराबर बराबर जो है वो नए साझेदार को दे तो ऐसे कंडीशन में जितने साझेदार है तो, उतने को हम बराबर हिस्सा कर देंगे दो है, तो एक बटे दो एक बटे दो और जो भी बराबर हिस्सा आता है उसको उसमें से जो नया साझेदार है उसका नया अनुपात तो या फिर पूरे फॉर्म का हम नया अनुपात तो ज्ञात कर लेते हैं तो एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं आ और बा सात अनुपात पांच के अनुपात में साझेदार है उन्होंने स को एक बटे छह भाग के लिए नया साझेदार बनाया। यदि सा अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान रूप में प्राप्त करे, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि स जो है वो नया साझेदार है और वो कितने भाग के लिए आया है एक बटे छह भाग के लिए तो एक बटे का आधा का आधा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम एक बटे छह का आधा यानी वन अपॉन सिक्स इंटू वन अपॉन टू तो वन अपॉन ट्वेल्व जो है आ देगा और उतना ही क्योंकि बराबर दे रहे हैं तो वन अपॉन ट्वेल्व ब देगा अब आ और बा का हम हिस्सा निकाल लें तो आ का हिस्सा पहले कितना था सेवन अपॉन ट्वेल्व इसमें से वन अपॉन वो नए साझेदार को यानी स को दे रहा है तो यहाँ पे हम सेवन अपॉन ट्वेल्व में से माइनस कर देंगे 1 12. तो ये हो जाएगा हमारा 6 12. और बिल्कुल ऐसे ही हम ब का हिस्सा ब का जो पुराना अनुपात है वो है फाइव अपॉन ट्वेल्व इसमें से हम माइनस कर देंगे स को दिए जाने वाला हिस्सा यानी कि वन अपॉन ट्वेल्व तो ये हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेल्व स का नया हिस्सा हम ज्ञात कर ले हालांकि स का नया हिस्सा तो दिया हुआ ही है वन अपॉन सिक्स लेकिन क्योंकि इसके हमको हर को बराबर करना है तो सिक्स को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अंश को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा टू अपॉन तो इनका नया अनुपात हो जाएगा सिक्स इंस टू फोर इंस टू टू यानी थ्री इंस टू टू इस टू वन जब पुराने साझेदार अपने भाग में से निश्चित अनुपात नए साझेदारों को दें इस विधि में जो साझेदार अपने भाग में से जितने अंश का त्याग नए साझेदार के लिए करता है उसे हम ये मान लेते हैं कि उसे पुराने साझेदारों के अनुपात में से घटाकर नया अनुपात ज्ञात कर लिया जाएगा तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये भी एक एग्जाम्पल एक से हम इसको समझते हैं आ और ब सात अनुपात पांच के अनुपात में साझेदार हैं। वे स को एक बटे छह भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं सा अपने भाग का एक बटे चौबीस आ से तथा एक बटे आठ भाग ब से प्राप्त करता है अब ऐसी कंडीशन में जबकि नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना अनुपात अलग अलग भाग में अलग अलग अंश में प्राप्त करता है तो आ का जो शेष भाग है सिंपल हम देख लेते हैं कि आ के पास जो पुराना भाग था वो था सात बटे बारह क्योंकि सात अनुपात पांच सेवन तो फाइव के रेशियो में वो पार्टनर थे यानी आ का पुराना भाग था 7 upon 12 माइनस कर देंगे इसमें से हम 1 upon 24 क्योंकि वो अपने भाग में से 1 upon 24 जो है वो नए साझेदार को दे दे रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 upon 12 माइनस 1 upon 24 तो ये हो जाएगा 13 upon 24 वैसे ही ब का शेष भाग हम प्राप्त कर लें तो ब जो है वो 5 अपॉन ट्वेल्व उसका भाग था और उसमें से वो वन अपॉन एट जो है वो स को दे देता है यानी इसके पास बचता है और ऐसे ही हम स का भाग याद कर ले तो स का भाग तो ऑलरेडी निकाल के दे दिया गया है वन अपॉन सिक्स लेकिन आ और ब के अनुपात से बराबर करने के लिए इसको हम इसके हर को देखेंगे क्योंकि अ और ब दोनों के हर चौबीस ट्वेंटी फोर आ रहे हैं तो यहाँ पर हमको जो वन अपॉन्ट सिक्स है स का भाग उसमें सिक्स जो कि हर है उसको ट्वेंटी फोर करने के लिए हमको सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्योंकि हम हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमको फोर अपॉन ट्वेंटी फोर मिल जाएगा तो ये हो जाएगा अ का भाग थर्टीन अपॉइंट ट्वेंटी फोर व का सेवन अपॉइंट ट्वेंटी फोर और स का फोर अपॉइंट ट्वेंटी फोर यानी इनका नया अनुपात हो जाएगा 13:7:4 जब पुराने साझेदार अपने भाग से निश्चित अंश नए साझेदारों को दें इस विधि में पुराने साझेदारों के भाग में से वह अंश घटा देना चाहिए जो वे नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं इस प्रकार हम एक नया अनुपात निकाल सकते हैं इसको हम एक उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं अ और ब तीन अनुपात दो के अनुपात में साझेदार है उन्होंने स को एक बटे चार भाग के लिए नया साझेदार बनाया सा अपना आधा भाग अ से और आधा भाग ब से प्राप्त करता है तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए यहां हमने देखा कि सा अपने भाग का आधा यानी वन अपॉइंट फोर का आधा तो वन अपॉइट फोर इंटू वन अपॉइंट टू अगर हम करते हैं तो वन अपॉइंट एट आता है तो अपने भाग का one upon eight वो जो है वो ब से भी प्राप्त करता है तो फिर हम देखते हैं आ का भाग क्या हो जाएगा आ के पास पुराना भाग था क्योंकि थ्री टू टू में साझेदार है तो इनका पुराना भाग था, था थ्री अपॉइंट फाइव और इसमें से इसने वन अपॉन एट हिस्सा नए साझेदार को दे दिया यानी यहाँ पर हम माइनस कर देंगे थ्री अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन एट इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा नाइनटीन अपॉन फोर्टी ब के लिए भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे ब का जो नया भाग है वो है टू अपॉन फाइव क्योंकि थ्री टू टू के रेशियो में वो साझेदार है और स को वो कितना दे रहा है वन अपॉन एट तो टू अपॉन फाइव माइनस वन अपॉन एट इक्वल टू इलेवन अपॉन फोर्टी ये हमको प्राप्त हो जाएगा और स का भाग हो जाएगा स का क्योंकि उसके पास आ, आ, एक बटे चार भाग के लिए वो आ रहा था तो इसके हम हर को बराबर करने के लिए फोर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी तो हर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हमको करना है तो ये हो जाएगा टेन अपॉन यानी इनका नया रेशियो हो जाएगा नाइनटीन इंसू इलेवन इंस टू टेन जब कोई पुराना साझेदार अपने भाग में से नए साझेदार को संपूर्ण अंश दे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि पुराना साझेदार अकेले ही नए साझेदार को पूरा का पूरा जो उसका शेयर है वो दे दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में नए साझेदार को दिए जाने वाले अंश को हम पुराने साझेदार जो भी अंश दे रहा है उसके हिस्से से घटा देंगे और फिर नया अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे आइए देखते हैं किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम देख रहे हैं कि आ और सात अनुपात के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सा को एक बटे भाग के लिए साझेदार बनाया। सा अपना संपूर्ण भाग अ से प्राप्त करे तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि स एक नए साझेदार के रूप में फॉर्म में प्रवेश लेता है उसका हिस्सा है एक बटे और वो अपना पूरा का पूरा हिस्सा आ से प्राप्त करता है ऐसी कंडीशन में अ के अनुपात में क्या परिवर्तन होगा तो यहाँ पर अ का शेष भाग हो जाएगा क्योंकि पहले उसका जो भाग था वो था 7 अनुपात 5 के हिसाब से 7/12 इसमें से हम जो स को इसने भाग दिया है 1/6 उसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7/12 1/6 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/ ब का जो हिस्सा है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा वो 5/12 भी रहेगा स का जो हिस्सा है 1/6 तो 6 हर में जो है उसको हमको 12 करना है इक्वल हमको समानुपात अनुपात में लिखने के लिए तो ये इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर को तो हमको अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2/12 यानी इसका नया अनुपात हो जाएगा 5:5:2 संतोष और विनोद एक फर्म में साझेदार हैं जो अपनी तीन अनुपात दो के अनुपात के में बांटते हैं उन्होंने हेमराज को एक बटे पांच भाग के लिए साझेदार बनाया नया लाभ हानि विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना कीजिए इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो साझेदार हैं संतोष और विनोद और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है है वो है यानी कि कितना हिस्सा किसने दिया कितना प्राप्त हुआ ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है तो यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे ये मानते हुए कि पुराने साझेदारों का जो अनुपात है वो यथावत रखा जाए उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कुल भाग एक मान लेते हैं और एक में नए साझेदार के भाग को घटा देते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल हिस्सा एक है और एक में एक बटे पांच अगर हम घटाते हैं वन माइनस वन अपॉइंट फाइव तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है फोर अपॉइंट फाइव अब संतोष का हिस्सा कितना है थ्री अपॉइंट फाइव तो थ्री ये जो नया जो हिस्सा हमको मिला रहता है फोर अपॉइंट फाइव इसको हम नेक्स्ट स्टेप में पुराने पुराने साझेदारों के अनुपात से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो मल्टीप्लाई विनोद जो कि पुराना, तो पुराना साझेदार है इसका हिस्सा है टू अपॉन फाइव इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर फाइव से तो इसको हो जाएगा एटीन तो इसको मिल जाएगा एट अपॉन 25 और हेमराज जो कि 1/5 इसका रेशियो है एक बटे पांच भाग के आया था इसके हर को अगर हमको 25 करना है जैसे कि संतोष और विनोद का है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे अगर हम 5 से हर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश को भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1/5 5/5 यानी 5/25 तो नया अनुपात इनका हो जाएगा 12:8:5 अब हमको क्योंकि नया अनुपात भी मिल गया है और पुराना अनुपात भी था हमारे पास तो ऐसी कंडीशन में संतोष और विनोद ने क्या त्याग किया है या क्या गेन उनको हो रहा है उसको हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे रेशियो का फॉर्मूला लगा के तो इसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात तो संतोष का जो पुराना अनुपात है वो है थ्री अपॉइंट फाइव और इसमें से हम नया अनुपात जो है संतोष का जो हमने अभी कैलकुलेट किया ट्वेल्व अपॉइंट

अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं, जो लाभ हानि तीन अनुपात सात के अनुपात में बांटते हैं उन्होंने स को साझेदार बनाया जो अ से एक बटे सात भाग और ब से दो बटे सात भाग प्राप्त करता है नया लाभ हानि अनुपात एवं त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नया साझेदार है वो अपना भाग दो पुराने साझेदारों से अलग अलग अनुपात में प्राप्त कर रहा है तो बहुत आसानी से क्योंकि अनुपात निकाल के दे दे दिया गया है कि किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है तो बिल्कुल अनुपात है उसमें से हम जितना भी भाग ये स को दे रहे हैं उसको हम घटा देंगे और इनका नया अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे तो अ का भाग कितना हो जाएगा अ का पुराना अनुपात था तीन अनुपात सात थ्री टू सेवन यानी कि इसमें से वो सा को कितना दे दे रहा है 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 तो upon हम तो हम हम कर दें ये हमको मिल जाएगा upon वैसे ही के के लिए हम देखते हैं है इसका हिसाब है. इस से से इसमें अगर हम माइनस कर दे टू अपॉइंट सेवन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन सेवनटी तो स का कुल भाग कितना हो जाएगा ए वन अपॉन सेवन वो ए से प्राप्त करता है और टू अपॉन सेवन वो बी से प्राप्त करता है तो इसका नया भाग हो जाएगा थ्री अपॉन सेवन अब क्योंकि सेवन है इसके हर में इसको हमको सेवेंटी करना है ए और बी के इक्वल करना है तो टेन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अंश को भी टेन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा थर्टी अपॉन तो नया लाभ हानि अनुपात हो जाएगा इलेवन अब ऐसे ही हम क्योंकि हमको नया अनुपात मिल गया और पुराना अनुपात तो था ही हमारे पास तो हम इनका ए और बी का अगर त्याग अनुपात रेशियो निकालना चाहे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करके तो यहाँ पे ए का पुराना अनुपात था थ्री अपॉइंट टेन और नया हो गया इलेवन अपॉन सेवनटी तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो टेन अपॉन सेवनटी और वैसे बी के त्याग अनुपात के लिए हम देखें तो पुराना अनुपात था सेवन अपॉइन टेन इसमें से हम नया अनुपात अनुपात माइनस कर दें तो तो ये हो हो जाएगा जाएगा तो इनका त्याग कि टेन ये टू ट्वेंटी और शॉर्ट कर लें तो वन साझेदार है, हैं जो लाभ हानि थ्री इंस टू टू इस टू वन के रेशियो में बांटते हैं एस को 1 अपॉन एट भाग के लिए साझेदार बनाया गया वो 1 अपॉन सिक्सटीन भाग पी से और 1 अपॉन सिक्सटीन भाग क्यू से प्राप्त करता है नए अनुपात की गणना कीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन साझेदार हैं पी क्यू और आर इनका पुराना जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो है थ्री इज टू टू इज टू वन और एस को 1 अपॉन एट हिस्से के लिए साझेदार बना रहे हैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो वन अपॉन पी से लेता है और वन अपॉन सिक्सटीन क्यू से लेता है यानी पी का हिस्सा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी का जो भाग है वो है थ्री अपॉन सिक्स पुराने के हिसाब से इसमें से ये वन अपॉन सिक्सटीन एस को दे दिया तो थ्री अपॉन सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्सटीन कर दिए तो यहाँ ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ट्वेंटी फोर माइनस थ्री अपॉन फोर्टी एट यानी ये हो जाएगा ट्वेंटी वन अपॉन फोर्टी एट वैसे ही Q के लिए हम निकाल लें तो Q के पास पुराना जो हिस्सा था वो था टू अपॉन सिक्स इसमें सेक्वल टू थर्टीन अपॉन फोर्टी एट अब R का जो हिस्सा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन हम इसको समानुपात में क्योंकि हमको लिखना है तो हम इसके हर को इक्वल कर लें तो वन अपॉन सिक्स इसका आप, आ, हिस्सा था आ, हर में 48 लाने के लिए हमको 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम अंश को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन और वैसे ही एस के लिए हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन एट इसका भाग है और इसको भी हमको 48 बनाना है इसके हर को भी तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो अंश भी सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इसका हिस्सा हो जाएगा सिक्स अपॉन फोर्टी एट तो नया अनुपात इनका हो जाएगा पी क्यू आर एस का ट्वेंटी वन इस टू थर्टीन इस टू एट इस टू सिक्स